हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैकेजिंग मटेरियल्स टाइप्स एंड सेलेक्शन क्राइटेरिया जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे दिया है वह जाके उस वीडियो को देख लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल्स एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर्स मीन्स जो पैकेजिंग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए जैसे ग्लास प्लास्टिक मेटल्स रबर्स आज उसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेज एंड डिसएडवाटेज ऑफ ग्लास तो सबसे पहले हम ग्लास के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो ग्लास कंटेनर्स आर वेरी कॉमनली यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग बट इट हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं या आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए ग्लास बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है जैसे सिरप शशपेंसन इमल्सन अब चलिए बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के दे आर ट्रांसपेरेंट दे आर एवेलेबल इन बैरियर शेप एंड साइज दे कैन विथस्टैंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसर ड्यूरिंग स्ट्रलाइजेशन दे आर इकोनॉमिकल एंड रेडली एवेलेबल दे कैन प्रोटेक्ट द फोटो सेंसेटिव मेडिकामेंट फ्रॉम लाइट ड्यूरिंग देयर स्टोरेज

फिल किया गया है तो आप उसको देख सकते हैं अच्छे से कि उसमें क्या फ़िल किया गया है तो ये है उसके ट्रांसपेरेंट के एडवांटेज दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज मीन्स ग्लास कंटेनर्स डिफरेंट शेप एंड साइज में भी अवेलेबल होते हैं जो कि कस्टमर को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन विथ स्टैंड द वेरिएशन इन टम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको इस्टेलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जैसे इंजेक्शन जो कि वाइल्स और एम्पुल्स में भरे जाते हैं उसको स्टेलाइज किया जाता है तो इसमें इतना स्ट्रेंथ रहता है कि वो टम्परेचर और प्रेशर को सह सके और यह सस्ता और इजली अवेलेबल भी होता है ग्लास कंटेनर में फ़ोटो सेंसेटिव मटेरियल्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं जैसे अंबर कलर अंबर कलर्ड बॉटल में लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है ग्लास कंटेनर्स मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस के लिए इम्परमेबल होता है मतलब बाहर के जो इन्वामेंट में गैसेज हैं या मॉइस्चर्स हैं वो ग्लास कंटेनर में फिल किए गए मटेरियल तक पहुंच नहीं पाते अगला इसका एडवांटेज है यह एज के साथ खराब नहीं होता मतलब ये ज़्यादा दिन तक चलता है नेक्स्ट एडवांटेज है इसका गुड प्रोटेक्शन पावर यह मटेरियल्स जो कि ग्लास कंटेनर में फिल किया गया है अच्छे से प्रोटेक्ट करता है बाहरी इन्वामेंट से ये तो रहा एडवांटेज ऑफ ग्लास अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास ग्लास आर ग्लास कंटेनर्स आर इज़ली ब्रोकन व्हेन ड्रॉप्ड आर नॉक्ड मीन्स ग्लास कंटेनर्स जल्दी ब्रेक कर जाते हैं अगर यह गिर गया या आपस में वो टकरा रहे हैं यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ग्लास का कि यह इज़िली ब्रेक हो जाता है जैसे ही गिरता है या किसी हैवी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो यह टूट जाता है और इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है ये इसका वेट ज़्यादा होता है मतलब ये हैवी होता है जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत पैदा होती नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ग्लास कंटेनर में रिलीज एलकली टू एक्श सल्यूशन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लास ग्लास कंटेनर्स एलकली मेटल से मिलके बने होते हैं जब कोई मटेरियल्स या एक्व सोलूसन इसमें फिल किया जाता है तो कंटेनर में से एल्कली रिलीज़ होते हैं और ड्रग को डिग्रेड करते हैं तो अभी हमने देखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स तो प्लास्टिक कंटेनर्स आर वेरी कॉमनली यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग बट इट हैव समानटेजेस एंड डिसएडवाटेज जैसा कि आप सभी जानते हैं ये आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं मेडिसिन हैं सिरप्स हैं सस्पेंसन है इमोल्स हैं जो कि प्लास्टिक के कंटेनर में पैक किए जाते हैं तो प्लास्टिक के कंटेनर के कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं तो पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे दे आर लाइट इन वेट एंड कैन हैंडल ईजिली अगर हम ग्लास और प्लास्टिक का कंपरिजन करें वेट के रिस्पेक्ट में तो ग्लास हैवी होता है एज़ कंपेयर टू प्लास्टिक्स मतलब प्लास्टिक हल्का होता है जिससे इसको हैंडल करने में इजी होता है मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करने में इजी होता है नेक्स्ट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जैसा सभी जानते हैं कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट दे हैव सफिशियंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लास्टिक मजबूत भी होता है गिरने पे टूटता नहीं है वो नेक्स्ट एडवांटेज है दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली प्लास्टिक का वेट हल्का होता है जिससे इसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती नेक्स्ट एडवांटेज दे आर अनब्रेकेबल जैसा हम सभी ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर कोई प्लास्टिक का बॉटल नीचे गिर गया तो वो टूटता नहीं है दे अवेलेबल इन बैरियस सेप एंड साइज प्लास्टिक डिफरेंट सेप एंड साइज में भी एवेलेबल है दे आल्सो हैव गुड प्रोटेक्शन पावर दे आर रेजिस्टेंस टू इन आर्गेनिक केमिकल्स मतलब इन आर्गेनिक केमिकल के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता ये तो रहा एडवाटेज अब हम बात करेंगे डिसडवाटेज की दे आर परमेबल टू वाटर वेपर एंड एटमोसफेरिक गैसेस इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि ये वाटर वेपर और जो बाहर के इन्वायरमेंट में गैसेज हैं वो इजली प्लास्टिक को पार कर जाते हैं दे कैन नाट विथ स्टैंड हीट विदाउट सॉफ्टनिंग और डिस्टार्टिंग कहने का मतलब यह ज़्यादा टम्परेचर को सह नहीं सकता और यह सॉफ्ट हो जाता दे मे इंटरेक्ट विथ सर्टेन केमिकल टू कॉज सॉफ्टनिंग और ओ आर आर मतलब या कुछ केमिकल के साथ रिएक्शन करके सॉफ्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है नेक्स्ट डिसएडवांटेज दे केमिकल सबस्टेंस एज प्रिजर्वेटिव फ्रॉम सोलूशन इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई लिक्विड प्रिपरेशंस प्लास्टिक के कंटेनर में फिल कर रहे हैं जिसमें कि प्रिजर्वेटिव भी ऐड है तो प्लास्टिक कंटेनर प्रिजर्वेटिव को एब्ज़ॉर्व कर लेता है दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव मतलब यह थोड़ा महंगा होता है अब हम बात करेंगे एडवांटेजेज एंड डिसएडवाटेजेज ऑफ मेटल्स जो फार्मासूटिकल ड्रग प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए मेटल्स यूज़ किए जाते हैं उसके क्या एडवांटेजेज हैं और क्या डिसएडवाटेज़ हैं तो पहले हम एडवाटेजेस की बात करेंगे दे आर स्टडी दे आर इम्पर्मेबल टू लाइट मॉइस्चर एंड गैसेस मेटल कंटेनर्स लाइट मॉइस्चर और गैस के लिए इम होता है नेक्स्ट एडवांटेज दे आर अनब्रेकेबल जैसा कि हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि अगर यह नीचे गिर गया या हैवी मेटल से टकरा गया तो वो ब्रेक नहीं होता जैसा कि हमने ग्लास में बताया था आपको पीछे अभी कि ग्लास अगर गिर गया या किसी हैवी ऑब्जेक्ट से टकरा गया तो वो टूट जाता है बट मेटल्स में ऐसा नहीं होता वो ब्रेक नहीं होता नेक्स्ट एडवांटेज दे आर लाइट इन वेट एज कंपेयर टू ग्लास कंटेनर ग्लास कंटेनर के कंपेरिजन में मेटल्स का मेटल कंटेनर का वेट हल्का होता है नेक्स्ट एडवांटेज लेबल्स कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन देयर सरफेस मेटल कंटेनर के ऊपर लेबल्स को प्रिंट भी किया जा सकता है ये तो रहा इसके एडवांटेज अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ मेटल्स दे आर एक्सपेंसिव जैसा हम सभी जानते हैं ग्लास और प्लास्टिक के कंपरीजन में मेटल्स ज़्यादा महंगा होता है तो यह एक्सपेंसिव होता है दे मे सेड मेटल पार्टिकल इंटू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मीन्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में मेटल पार्टिकल्स रिलीज हो सकते हैं जिससे कि प्रोडक्ट हमारा खराब हो सकता है नेक्स्ट डिसएडवांटेज दे आर नॉट जनरली यूज फॉर एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन क्या होते हैं एक्सटेम्पोरेनियस प्रिप्रेशन वो होते हैं जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो मेटल कंटेनर एक्सटेपोरेनियस प्रिपरेशन की डिस्पेंसिंग के लिए यूज़ नहीं किए जाते इन जनरल नेक्स्ट डिसएडवांटेज दे रिएक्ट विथ सर्टेन केमिकल एंड ड्रग्स मेटल कंटेनर कुछ केमिकल्स और ड्रग के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे कि ड्रग प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाता है ये तो रहा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल्स अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर्स फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट की पैकेजिंग में रबर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है तो आइए हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रबर दे आर सॉफ्ट इन नेचर जैसा कि हम सभी ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका रबर कैसा होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है इट इज़ क्वाइट इलास्टिक दे आर सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी रबर क्या होता है इलास्टिक होता है जैसा कि हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अगर इसको हमको थोड़ा सा खींच के छोड़ दें तो वो जैसे था वैसे ही अपने ओरिजिनल पोजिशन गेन कर लेता है इट विथ स्टैंड इन द टम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एन आटोक्लेव दे फोर कैन बी स्टरलाइज्ड हाई टेम्परेचर uh, और प्रेशर को सह सकता है जिससे कि हम इसको ऑटो में स्टेलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं ये तो रहा एडवांटेज ऑफ रबर्स अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर्स रबर क्लोज़र्स शुड नॉट बी वेरी हार्ड अदरवाइज इट विल क्रिएट डिफिकल्टी इन पियर्सिंग बाई हाइपोडर्मिक निडिल रबर क्लोज़र बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वायल्स है वायल्स में हम रबर क्लोजर्स का यूज़ करते हैं अगर रबर क्लोजर सॉफ्ट है तो उसमें निडल ईज़िली इंसर्ट करके मटेरियल्स को हम बाहर निकाल निकाल सकते हैं बट अगर रबर हार्ड है तो उसमें निडल को इंसर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा तो रबर क्या होना चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए जो कि हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए नेक्स्ट डिसएडवांटेज, इट सिग्निफिकेंटली एब्जॉर्ब बैक्टीरियोसाइड एंड एक्टिव इन्ग्रेडियंट्स अगर रबर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है लिक्विड प्रिप्रेशन के जिसमें बैक्टीरियोसाइड्स या एक्टिव इन्ग्रेडियंट्स प्रजेंट है तो रबर जनरली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये है इसका ड्रॉबैक नेक्स्ट डिसएडवांटेज है सम ऑफ एडिटिव्स सच एज़ एक्टिवेटर बल्कनाइजिंग एजेंट पीगमेंट्स मे गेट एक्सट्रैक्टेड इन टू द प्रोडक्ट कुछ एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं रबर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जैसे एक्टिवेटर बल्कनाइजिंग एजेंट कुछ पीगमेंट्स वो मटेरियल्स प्रोडक्ट में रिलीज़ होते हैं जिससे कि प्रोडक्ट खराब होने का डर रहता है या खराब हो जाता है नेक्स्ट डिसएडवानटेज है प्रोसेस कॉस्ट इज़ वेरी हाई इसकी जो प्रोसेसिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है रबर की वह कास्टली है ये तो रहा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल्स जैसे ग्लास प्लास्टिक्स मेटल्स रबर्स आशा करते हैं यह वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा इसमें जो कंटेंट मैंने एक्सप्लेन किया है वह आपके लिए यूजफुल होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो